लेकिन चल के ही देखना है कि ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना के पास क्या है आज हमारे लिए। या बताना नहीं किसी को, वो क्लास के अंदर ना जब सर उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करते थे तो फिर एक दूसरे को रबर बैंड से, तो मुझे नहीं पता था कि वो आगे चल के लोगों के करियर कैसे। नहीं, हम तो सेट की खूबसूरती के लिए यहाँ रखने के लिए लाए, हम बॉडी वेट वर्कआउट करें, हमने प्लान चेंज कर लिया। अच्छे नहीं हो तुम दोनों। तो आज के वर्कआउट का आगाज करने से पहले मैं एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, ये आपको पहले से कैसे पता कि वो खूबसूरत है? क्योंकि मेरे दिल के करीब और मुझे बहुत पसंद है, खूबसूरत लगती है, मुझे पसंद है कि ऐसे कहीं ना है ना, ये उस तरह का लड़का है, माँ को जाके कहता है, माँ माँ मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत बहू ढूंढी है। माँ कहती है मैनू तू कुड़ी वखा, मैं दसांगी कि खूबसूरत है कि नहीं। इन्हीं बातों में मैं बात ही ना भूल जाऊँ। मजे की बात यह है। अच्छा, बात यह है कि सेहतमंद जिस्म जो है अतिया खुदावंदी है और इसकी कदर और हिफाजत करना भाई से अजर है। तो इसी अच्छे नोट से हम आज की एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। और इन्होंने जो बात की इसको आसान उर्दू में जरा बयान फरमाएं। मैं सीरियसली मतलब इतनी मुश्किल उर्दू है, लेकिन वो आपसे वो सीखी जा रहे हैं कि आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। I'm trying, लेकिन मैं रिस्क लेती नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वार्म अप करना मत भूलिएगा, 5 से 10 मिनट वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि आपके सारे मसले अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएं और फिर आप वर्जिश का आगाज कीजिए। सबसे पहले हमारी वर्जिश की जो हरकत है वो स्टैंडिंग में लैट पुल डाउन है, सिंगल आर्म। अच्छा काशिफ, बता भी दें ठीक है कि आज हम किस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन को पता चल सके। हम हमारे तीन मेजर जिस्म के पट्टे हैं, कमर, कमर का ऊपर वाला हिस्सा, निचला हिस्सा, उसके साथ हम अपने चेस्ट के मसल को ट्रेन कर रहे हैं और अपनी नीचे वाले मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो तीन मसल्स, तीन पट्टे हम एक्सरसाइज में हम शामिल करेंगे आज के। हमारा जो बुके आप अक्सर कहते होते हैं, तो पहली एक्सरसाइज है हमारी, स्ट्रेच किया आपने रेजिस्टेंस बैंड को जी। और आपकी जो स्टैंस है, आपने खड़े होने हैं, आपकी शोल्डर विड्थ भी हो सकता है और थोड़ा सा वाइड भी हो सकता है। शुरू करते हैं, आपने नीचे आना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है लैट्स के मसल को। बेसिकली ये आपके लैट्स हैं, बैक का मसल है जो वी शेप बनाता है। तो आपने टेंशन रखनी है और कॉन्ट्रैक्शन करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अच्छा, एक साइड पे ये भी बता दें कि हम वन आर्म करें और दूसरा आपने देखा होगा कि हमने हाथों को यूं थोड़ा बेंड किया है, ये इसको हाथों के साथ दोबारा वो किया है कि रेजिस्टेंस के लिए कि जरा थोड़ा सा इंटेंस हो जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो वो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे आप फील करेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी जितना उसको छोटा कर लेंगे उतना टेंशन बढ़ती है। या फिर जैसे हमारे पास काफी सारे हैं तो ये फिक्स हो जाते हैं, इनके साथ ये क्लिप्स लगे क्लिप्स भी हैं, हैंडल जरूरत नहीं आपको हैंडल यूज करें ना करें। जिन्होंने ये रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल आज पहली बार देखा है, वैसे तो अक्सर ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको हम बताते चलें कि ये आसानी से बाजार में मौजूद है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में ही, अब तो छोटे शहरों में भी वो दुकानें जो स्पोर्ट्स की अशिया जो है उनकी फरोख्त करती हैं या जिम और एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें फरोख्त करती हैं, वहां पे रेजिस्टेंस बैंड ले लें, इलास्टिक बैंड भी जो मिल जाते हैं आपको तो वो भी इजीली अवेलेबल है स्पोर्ट्स वाली जो शॉप पे। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तमीना प्लीज आप इधर आ जाइए। अगली वर्जिश की जो हमारी हरकत है इसका नाम है गुड मॉर्निंग, और इसमें हमारी कमर का निचला हिस्सा ट्रेन हो रहा है, हमारे टांगों के मसल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। आपने करना क्या है कि यूं पकड़ना है और टेंशन रखनी है आपने, इसको लूज नहीं रखना, और आपने पूरा नीचे जाना है, अपनी मेरी कमर का आर्च देखेगा आप जी, मेरी कमर का आर्च देखें, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और किस तरह मैं टेंशन के साथ लोअर बैक पे बेसिकली वर्क है, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज जो कहते हैं, जैसे यूजली कुछ बाहर के लोग हैं गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं, तो चूंकि लोअर बैक का वर्कआउट है, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो टेंशन जो है उन्होंने बढ़ाई हुई है। अगर हाथ यूं करके भी करेंगे तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी काशिफ ने इसको बिल्कुल क्लोज की हुई है अपनी बाजू ताकि थोड़ा सा इंटेंसिटी भी रहे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी सांस भी चढ़ रही थी, इसका मतलब है कि इसमें काफी एनर्जी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, लगता है कि बिल्कुल ये बस एक बैंड सा है, लेकिन बहुत दुश्वार गुजार वर्कआउट है ये। तमीना इधर आइए, अगली एक्सरसाइज है, तमीना इसमें मेरी मदद करेंगी। तमीना आपने मुझे लगता है एक्सरसाइज की बजाय आज उर्दू की क्लास ले लें आप, यहां से इसको हाई एंगल से पकड़िए, मैं मरना नहीं चाहती, नहीं इसको पकड़िए और हायर एंगल पे रखिए। और अगली जो हमारी वर्जिश की हरकत है,
अच्छा, ये आप घर पे किसी हाँ, भी पोल पे किसी भी जैसे ग्रिल होती है घर में या जिम के अंदर है तो कोई भी ऐसी वॉल है हाँ, उस पे आप हैंग करके या किसी से हेल्प लेने, जैसे मैं तमीना से हेल्प ले रहा हूँ तो आपने लैट्स के मसल को एंगेज रखना है। तमीना टेंशन रखिएगा, बैक स्ट्रेट जी, चेस्ट अप, सामने देखना है और कॉन्ट्रैक्शन करना है, पूरा ऊपर जाइए पूरा नीचे आइए, बैक स्ट्रेट। अच्छा, जिम के अंदर जो है ना ये यूजुअली होती है केबल के साथ, केबल होती है या बारबेल होता है, रॉड होता है एक वाइड वाला। जी तो हमें एक्सप्लेन करिएगा, मैं थोड़े से रेप्स करता हूं। जी अभी जैसे ये कर रहे हैं ठीक है, तो फ्रंट पे है लैट का जैसे बताया, बैक का आपका वर्कआउट है, अभी इंटेंसिटी आपको मैंने बताया आप कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हैं, सॉरी काशिफ, तो आप इसको जितना इंटेंस करना चाहें, अगर आप ऐड भी करेंगे और वेट, अदरवाइज इट इटसेल्फ बहुत। और घर में भी आप पार्टनर बन सकते हैं, बन सकते हैं, नंद भाभी, दो बहनें, बहन भाई, भाई दो भाई, मतलब जरूरी है कि आपको अगर शौक है, कोशिश करें घर के दूसरे अफराद को भी शौक पैदा हो, आप उनको यूज करेंगे तो हो सकता है वो भी आपको ज्वाइन कर लें, और जब आप टीम बनते हैं ना फिर एक्सरसाइज करने का बहुत मजा, बिल्कुल मोटिवेशन आपको मिलेगी। और चूंकि ये पूरी बॉडी की आपको एक्सरसाइजें मिलती हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर पे या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे आपके लिए यू नो जिम जाना या कुछ करना नहीं है इजी, तो ये तो आप कहीं से भी लेके तो घर पे इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट। इससे मुराद अगर ये नहीं है तो इलास्टिक बैंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी वर्जिश की हरकत है, पिछले पाँव में आपने इलास्टिक को एंड रेजिस्टेंस बैंड को फंसाया, फ्रंट फुट लिया आपने, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, और ये लोअर एंगल से हम ऊपर आ रहे हैं जी। तो अपने चेस्ट को मसल को ट्रेन कर रहे हैं, स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन इज द की, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है आपको। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तभी ना आप थोड़ा सा बताइएगा एक्सरसाइज के बारे में और फॉर्म के बारे में। जी जी मैं हरकत बताता हूं, इट्स वेरी इंटेंस एक्सरसाइज जो काशिफ कर रहे हैं। अभी देखें कि जैसे पांव पे अगर आपका पांव ग्रिप में नहीं है तो सीख, तो तब भी ये होता है कि आप ये निकल जाएगा बीच में से, तो पिछला पांव भी फिक्स किया हुआ है, लंज पोजीशन में है अगला पांव भी, और चूंकि आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि जब काशिफ ऊपर हैंड्स लेके आ रहे हैं तो कितनी रेजिस्टेंस है इसमें, तो अपार्ट फ्रॉम के वो वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 लेग एक्सटेंशन, आप इधर आ जाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है हमारे देखने वालों को, एक्सप्लेन करने के भी आसानी हो जाएगी आपको। जी जी जी, इसमें आपने एक टांग पे रेजिस्टेंस बैंड को फंसाया, एक टांग को 6 इंच जमीन से तकरीबन उठा के अपने हाथों की प्लेसमेंट को यूं रखा जी, और लेग एक्सटेंशन करना है आपने जी, फुल एक्सटेंड करना है, एक साइड पे रेप्स लगाने हैं। वर्कआउट खत्म होने के बाद, यानी हमारी वर्जिश खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, राइट लेग जो इस वक्त काशिफ की अगर आप देख रहे हैं, राइट लेग तो पता लग रहा है कि एक्सरसाइज कर रही है, और लेफ्ट लेग जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे मास्टर साहब ने सजा दी हुई, कोने में मुंह करके खड़े हैं। इट्स एक्चुअली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मिल रही है आपको, जितनी टेंशन आपके मसल्स रिक्रूट हो रहे हैं एक्चुअली, तो सीख भाई अच्छा, मसल्स रिक्रूट होने से ज्यादा आपका वर्कआउट इंटेंस हो जाता है जी। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी, दोनों टांगे हवा में तकरीबन 6 इंच हवा जमीन से ऊपर, हाथ ऐसे, और हम पुल ओवर्स कर रहे हैं। इसमें आपके बैक का वर्कआउट है, लेकिन अभी इसमें एब्डोमिनल बहुत इन्वॉल्व है, तो क्योंकि अभी लेग्स उठा दिए काशिफ ने और टेंशन है, और क्योंकि टेंशन सारी लोअर बैक पे आ रही है और एब्डोमिनल पे, क्योंकि अगर आपकी 30-40 किलो की या 20 किलो की भी लेग्स का वेट है तो एक्चुअली वो आपके एब्डोमिनल नहीं उठाया हुआ है, और उसका सारा का सारा प्रेशर आपके लोअर बैक पे भी जाता है, लोअर बैक, चेस्ट एंड। तो एक किसी आम इंसान के लिए, वो घर में अगर कोई मर्द या खवातीन है, तो अगर आप जब ये करेंगे यू विल फील इट, कि एक सिंपल एक्सरसाइज जिसमें यू डूइंग नथिंग, लेकिन आपके लेग आपने सिर्फ रिजिस्ट की हुई है, मे बी 30 एंगल और समथिंग, तो इट्स वर्किंग योर कोर एंड ऑफ कोर्स जो बैक कर रहे थे। और इसकी जो ड्रिल है, तरीकाकार है, वो इस तरह से है, जितने भी अफराद हमारे देखने वाले हैं जिन लोगों ने वजन कम करना है, वो 1 मिनट तक इस हर वर्जिश की हरकत को करेंगे, और पूरा चक्कर सारी एक्सरसाइज का 5 से 6 एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे, 5 से 6 चक्कर मुकम्मल करेंगे और आपका वर्कआउट ख़त्म होगा। और जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो 30 सेकंड तक इस वर्जिश की हर हरकत को करेंगे, और हर हरकत के बाद 1 मिनट तक रेस्ट लेंगे, और पानी पीना मत भूलिएगा। पानी की सिपिंग साथ साथ बहुत ज़रूरी है, सर्दियों का मौसम है, ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि पानी क्योंकि पसीने की सूरत में निकल कम रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, बॉडी को पानी की जरूरत होती है। कोई प्रीकॉशंस भी अगर बता दें देखने वालों को कि कोई इन एक्सरसाइजेस में कोई प्रीकॉशंस हैं? इनमें बेसिकली कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। हम हमेशा से कहते हैं कि वर्जिश का मतलब ये नहीं है कि कोई कसरत करनी है या कैलोरीज बर्न करनी है, आप अपने आप को वर्जिश करते हैं मजबूत करने के लिए,
एक्टिव करने के लिए, ना कि इंजर्ड करने के लिए. तो एहतियात से करनी है जितनी भी करें. आपसे लाजमी नहीं है कि काशिफ ने कह दिया 6 चक्कर मुकम्मल करने हैं, 30 सेकंड के अंदर हर एक्सरसाइज को करना है, ऐसा नहीं है. आपको लगे आप नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे वहीं छोड़ दें. मतलब यानी थोड़ा ये देखना है कि रेजिस्टेंस मैन एक तो कहीं पे जहाँ पे भी फिक्स कर रहे हैं, किसी को पकड़ाया वो बंदा ट्रस्टवर्दी हो या जगह, ये ना हो कि ये मुंह पे जब लगेगा बहुत जोर का. हाँ, तो इसका मतलब है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी घर में किसी भी रिश्ते को, तो ये देखें ना कि पिछली शाम उसकी लड़ाई हुई है और वो बदला लेने का वक्त आ गया हो, है ना. तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो बहुत जोर का लगेगा. हाँ, भाभियां जो है वो नंदों को पकड़ाने से पहले जरा 1 मिनट के लिए सोच ले. नहीं बिल्कुल जी. और एक और चीज ये कि रेजिस्टेंस बैंड की क्वालिटी भी कोई फर्क होती है कि अच्छा होता है या खराब होता है, या हर तरह का रेजिस्टेंस बैंड ठीक होता है? नहीं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चेक करके लें. समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए, वरना आप चेक करके तसल्ली करके लें. ग्रेट. ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, थैंक यू वेरी मच. बहुत मजे का आज वर्कआउट था. और जब भी रेजिस्टेंस बैंड यूज होते हैं बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि वो बजाहिर बहुत आसान सी हरकत होती है, लेकिन उसमें आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न हो रही होती है और फन वर्कआउट होता है. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे. शुक्रिया.